नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिन्हा और आप देख रहे हैं BTN की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे दरभंगा शहर के बारे में, जहां थोड़ी सी ही बारिश में दरभंगा का बुरा हाल हो रखा है। थोड़ी सी बारिश और चारों तरफ पानी ही पानी, कई चौक चौराहे झील में तब्दील हो चुके हैं। वहीं कई मुख्य सड़क पर 1 से 1.5 फीट पानी का जल जमाव हो गया है। ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि शहर का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पहले से ही मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी नगर निगम प्रशासन नहीं चेता, नतीजा पूरा शहर डूब गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जाने वाले मुख्य सड़क की, जहाँ की स्थिति बेहाल है। यहाँ जल जमाव की स्थिति होने के कारण और कीचड़ लगने के कारण लोगों को गुजरने में काफी परेशानियां आ रही हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा भले ही काफी सुंदर हो, पर यहां जाने के लिए आपको कीचड़ से गुजरना होगा। जब BTN न्यूज की टीम यहां पहुंची तो लोगों ने अपनी शिकायतों में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रास्ता पूरा खराब हो गया, पूरा कादो टूट हो गया, आदमी को जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। काफी सभी आदमी को चलने में यहाँ से मुसाफिरों को बहुत दिक्कत होता है। कौन सा जगह है ये? ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जाने वाला रोड। कब से ये स्थिति बना हुआ है? करीब 6 महीना से ऐसे ही स्थिति है। क्या यहाँ पे देख रहे हैं, जल जमाव है, कादो कीचड़ है, क्या इस तरह से जाने में लोग को कितनी परेशानी होती होगी? काफी परेशानी है। का तो इतना हुआ है कि 2 बार हम गिर गए हैं। एक बार परीक्षा देने आए, मेरा BPSC का एग्जाम था, एडमिट कार्ड गिर गया, पूरा खराब हो गया। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जाने वाला ये कौन सा जगह, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये रास्ता? ये यूनिवर्सिटी से पुराना वाला जो नया यूनिवर्सिटी से पुराना वाला जो यूनिवर्सिटी से दरभंगा हमारा किला था, वो रास्ता जा रही है। हर बार की बारिश नगर निगम की साफ सफाई की पोल खोल रही है। जहाँ ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, वहाँ नगर निगम प्रशासन के आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है। कागजों पर तो शहर के बड़े से लेकर छोटे नाले तक की पूरी सफाई हो चुकी है, लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरवासी शहर को स्मार्ट सिटी बनने का सपना देख रहे हैं और नगर निगम प्रशासन शहरवासी के सपनों को डुबोने पे लगा है। कई उपकरण के बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बज बजाती नालियों का पानी सड़कों पर फैलने लगा है। इसके कारण पांव पैदल चलने में भी लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तो ये थी अब तक की स्पेशल रिपोर्ट। मुलाकात होगी आपसे फिर एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।